दिस इज सबीर जावेद फ्रॉम एंड न्यूज़। कैसे हैं आप तमाम मेरे जानने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में आज। और आज की बड़ी ख़ास शख्सियत है हमारी, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ आपके साथ कि हमारे साथ है हमारी मैम अफरोज शोरो, जो कि हमारी रीजन PTI की जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और कहीं प्लेटफॉर्म पर जो है वो सरगर्म है और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ उनकी चल रही हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम की जानिब और उनसे पूछते हैं कुछ स्वीट एंड सॉल्टी सी गुफ्तगू। कुछ पॉलिटिकल होगी, कुछ सोशल होगी और इंशाल्लाह कुछ पर्सनल होगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबिन कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। और मैम, अच्छा, हमारा जो ये एन न्यूज़ का प्रोग्राम है, इसमें जो है वो हम कुछ इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि थोड़ी सी पहले पर्सनल होती है फिर ऑफिशियल होती है। तो पर्सनली मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, तो आपने अपने कैरियर का आगाज़ कब और कैसे किया? देखो सबिन, कैरियर के आगाज़ अगर मैं कहूँ तो मैं तो ज़ाहिर है कि मेरी अपनी एक अपना एक कॉन्सेप्ट है जो जुड़ा हुआ है कि सबसे पहले जो है वो हमारा अपना घर होता है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं। तो अगर मतलब हमने आप कैरियर उसको कह रही हैं कि घर से बाहर आकर फिर जो है हम अपनी जो एक सर्विसेज देते हैं या जो अपना काम कर रहे होते हैं, तो उसको मुझे मैं स्टार्ट लिए हुए तकरीबन 20 ईयर्स हुए। 20 ईयर्स, सच अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बचपन से ही थोड़े मतलब वो जो कहते हैं ना कि एक वो जरासीम होता है बंदे में, तो पूरी वो होती थी। मेरा घराना भी कुछ ऐसा था कि हमारे पास सोशल जो है वो समाजी सियासी वो एक्टिविटीज़ होती रहती थी। और एक होता था कि नॉलेज बहुत लाजमी होती थी, यानी उस वक्त से अखबारें पढ़ना, करंट इश्यूज़ पर रहना, मालूमात रखना, ये चीज़ हमारे मिजाज और आदत और तबीयत का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन फिर आगे चलकर मुझे मेरी अपनी पर्सनल ये थी कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं और वो अपनी अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से उनकी हो जाए, एजुकेशन हो जाए, तो फिर उसके बाद बाहर निकल कर काम करना है। तो मैंने यही किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह अच्छे हायर एजुकेटेड हैं, अच्छी पोस्टों पर हैं, और मेरे पास मतलब एक अब है मौका है कि मैं काम करूं। तो मैंने उसके बाद ही इसको स्टार्ट लिया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे तकरीबन 20 ईयर्स हो गए हैं जिनको मैं कह सकती हूँ, प्रूव कर सकती हूँ कि हाँ। अच्छा, आप चूँकि PTI भी आपने ज्वाइन की, तो ये आपने कब ज्वाइन की PTI? देखिए मैं जो पॉलिटिक्स में आई थी, बाकायदा मैंने ज्वाइनिंग की थी 2005 2000, लेकिन PTI में। अच्छा, मैंने SNF ज्वाइन की थी। SNF, सिंध नेशनल फ्रंट, जो मुमताज़ अली भुट्टो साहब की पार्टी थी, मैंने उसको ज्वाइन किया था। और मैंने एक बहुत अच्छा और लंबा टाइम उनके साथ काम किया। मैं यहाँ अपनी मतलब लेडीज़ विंग की सिंध की प्रेसिडेंट रही और एक अच्छा काम रहा। फिर आगे जाकर हम लोगों ने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया था PTI में जी। तो वो जो हुआ था वो 2016 में हुआ था। 2016, तो इस तरह 2016 से मैं PTI में काम कर रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी फैमिली से भी कोई और है पॉलिटिक्स में, आप जस्ट आप अपनी फैमिली से आप ही पॉलिटिक्स में? देखिए एज ए पॉलिटिशियन फील्ड में काम करना एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरी तकरीबन सारी ही फैमिली सियासत से किसी न किसी हवाले से और रिलेटेड है, मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आप कह सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चले पॉलिटिकल तो आपकी एक्टिविटीज़ हैं और आप माशाल्लाह काफ़ी सरगर्म भी हैं। रिसेंटली हमने आपको देखा है, आपने बड़ा ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी है कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के दरमियान। हमने आपकी खिदमत देखी है सोशल मीडिया पर, जिस तरह से आप लोगों ने डोर टू डोर वर्किंग की है और जिस तरह से लोगों की भलाई के लिए आपने काम किया, वो तमाम चीज़ें बिल्कुल उसको जो है हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन यहाँ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हुई हो पर्सनल, कि आप माशाल्लाह इतनी पॉलिटिकल भी हैं, बैलेंस कैसे रखती हैं? मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि ये एक हकीकत है, लेकिन अगर हम करना चाहें तो हम इस तरह मतलब एक तनासुब के साथ उधर अपनी सियासत फिर अपना घर, और मैंने आपको कहा क्योंकि बच्चे तो मैंने बड़े कर लिए, तो अब उसके बाद जो है रह जाते हैं सिर्फ मेरे हस्बैंड, तो वो बहुत कोऑपरेटिव हैं।
तो मतलब ये होता है कि उन्हें ये होना चाहिए कि हाँ घर वर को देख लिया, उसके बाद निकल गई, अपना सारा वक्त काम करती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये आपने बिल्कुल सही कहा कि माशाल्लाह हस्बैंड आपका कोऑपरेटिव है, तो वो माशाल्लाह आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बिल्कुल। तो अच्छा, आप चौके कई सोशल प्लेटफॉर्म से भी काम कर रही हैं, तो कोई ऐसा मेमोरेबल आपका वाकया है लाइफ में जो आपको अभी तक याद है? मेरी लाइफ में बहुत सारे वाकयात हैं, मैंने बहुत काम किया है, और मैं हाल ही में मतलब उसका मुझे वो हुआ कि उसका मैं जिक्र करना चाहूँगी कि 2-3 साल पहले की बात है, तो किसी दोस्त के साथ मैं जेआर थाने गई थी, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए थे, पेंसी कटवाने थी। तो इत्तेफाक ये है कि वो मैंने देखा वहाँ एक बड़ी सारी गाड़ी में से कोई बंदा निकल रहा है और एक बच्ची को घसीट के निकाल रहा है, वो बच्ची बहुत रो रही है। अच्छा, तो मैं फ़ौरन उसके पास गई, मैंने जाकर उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा कि क्या कर रहे हैं आप? तो कहने लगा कि है ना, ये जो है वो हमारे घर की मुलाजमा है और इसने चोरी की है। चोरी तो हमने रिकवर की है, लेकिन ये है, मैं इसको, मैंने कहा जब रिकवर हो गई है चोरी, तो आप इसके पेरेंट्स को बुलाएं, इसको भेज दें कि भाई बच्ची में ये आदत है, हम नहीं रख सकते। तो कहने लगा नहीं, अभी हमने इससे और भी, मैंने कहा तो आप इतनी बड़ी बच्ची को आप लाए हैं थाने, थाने के माहौल का आपको पता है? हाँ, बिल्कुल, उनको तो पता चाहिए। हाँ, आप कम से कम ये तो ना करें, लेकिन बहरहाल उनका ये कहना था कि जी वो मैं, खैर बच्ची तो थी, वो मुझे एकदम आ गई और कहने लगी मैं आपके बगैर नहीं होंगी, रहते रहे। बहुत लंबा टाइम खींचता गया, थाने वालों ने लिखवा कर ना मुझसे बच्ची मेरे हवाले कर दी। मैंने केस डाल दिया, उन लोगों ने बड़ी जमानतें वगैरह करवाई, बड़े किस्से, बड़ा किस्सा चला, बड़ा केस चला। और बहुत मज़ेदार बात बताऊं कि वो कौन था, वो अभी काशिफ जो है ना, हमारा जो 4 नंबर का उम्मीदवार था वो था। तो वो अभी तक मुझे हंसकर कहता है कि आपने मुझे जितना मशहूर किया इतना मैं किसी चीज़ से नहीं हुआ। लेकिन ये होता है कि ये चीज़ें ये हैं कि हम रोड रास्ते चलते हुए अमूमन ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। किसी के साथ ज्यादती हो रही है, किसी के साथ देख रहे हैं हम कि कुछ हो रहा है, तो हमें वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ बिल्कुल वहाँ आवाज़। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगु चल रही है नाज़रीन। इससे पहले भी जो है वो इस तरह की जो है वो प्रोग्रामिंग के दरमियान आपको पता है कि हमारे सेगमेंट्स होते हैं, तो ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ, चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, आएंगे आके फिर एक नया सेगमेंट शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस तरह से जो है वो ज़बरदस्त किस्म की गपशप चल रही है हमारी, और फिर से अपडेट कर रहे हैं आपको, ज्वाइन किया है अभी। मैडम ये बताइए कि मौजूदा हुकूमत पर एक महंगाई का बड़ा एक करंट इशू अभी बना हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगी? हमारी आवाम को बड़ी शिकायतें हैं। देखें, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि महंगाई नहीं है, महंगाई है, ठीक है, लेकिन असल में क्या है कि देखना ये है कि महंगाई की वजूहत क्या हैं, असबाब क्या हैं, ठीक है। आपको एक बात बता दूं कि कोविड की वजह से इस महंगाई की लपेट में इस वक्त पूरी दुनिया है। बड़ी बड़ी जो मईशतें थीं, बड़ी बड़ी जैसे हमारे यूके है, यूएस है, वहाँ भी लोगों के किराए यही है। तो पाकिस्तान में तो वैसे ही आपको पता है कि जो सूरत हाल पाकिस्तान की रही, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, अब और पीछे जा रही है, बिल्कुल हम ये भी इस बात को भी समझते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से यहाँ पर महंगाई, क्योंकि यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से महंगाई जो है वो ज़्यादा महसूस हो रही है, वरना इस वक्त महंगाई का एक आलम पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ कह दूँ कि देखिए, जैसे कि पेट्रोल की बात होती है, तो जब पेट्रोल की बात होती है तो पेट्रोल जो है वो इंटरनेशनली उसके रेट होते हैं, हम उसको बाहर से मंगवाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पेट्रोल बनिस्बत दूसरे ममालिक के हमारे पास सस्ता बिक रहा है। अच्छा, सस्ता क्यों बिक रहा है? उसकी वजह ये है कि देखिए, इस पर जो ड्यूटीज़ लगती हैं, जो टैक्स लगता है, हमारी गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही छोटा सा टैक्स लगाए हुए है। मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ के दौर में जब 100 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल बिक रहा था, उस वक्त पेट्रोल की कीमत 48 रुपीज़ थी और जो ड्यूटी लगी हुई थी वो 52 की लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त पेट्रोल पर जो ड्यूटी है वो सिर्फ 6 रुपीज़ की लगी हुई है। अगर तो वो लेवी जो टैक्स है या ड्यूटी है, अगर वो लगाया जाए, जो गवर्नमेंट अगर ले
और वो अब इस वक्त जो है वो खाकान अब्बासी कह रहे हैं, वो शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही है तो इसका तो नुकसान गवर्नमेंट को हो रहा है। यानी ये दोनों तरफ बात करते हैं कि उधर जी आवाम का नुकसान हो रहा है, उधर जी गवर्नमेंट को हो रहा है, तो गवर्नमेंट ये नुकसान खुद पर ले रही है। अगर वो टैक्स जो होना चाहिए वो अगर गवर्नमेंट लगाएगी तो पेट्रोल की कीमत 170 पर चली जाएगी, और इस तरह ये जो चीज़ है ड्यूटी और टैक्स को कम करके जो चीज़ लगाई गई है उसकी वजह से हमें वो 137 मिल रहा है। अब आ जाएं आप आटे चीनी और दाल और घी वगैरह पर, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैं कहूँगी वो ये है कि जितना इशू हमारे पास सिंध में है उतना इशू बाकी मुल्क में नहीं है। बाकी मुल्क में आटा इस वक्त 55 रुपये किलो मिल रहा है पंजाब में भी, और हमारे पास 75 रुपये किलो मिल रहा है। आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि जो 18 अमेंडमेंट है उसकी वजह से बहुत सारे जो अब महकमे हैं वो सूबाई हुकूमतों के पास हैं, जिसमें हेल्थ भी आ जाता है, यानी सेहत है, तालीम है, खुराक है, क्वालिटी कंट्रोल है, कीमत कंट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अभी दो दिन पहले मुराद अली शाह ने ऐलान किया है कि हम 48 रुपये किलो आटा बेचेंगे। ठीक है, उन्होंने ऐलान तो कर दिया है, अमल दरामद कराना भी इनका ही काम है ना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि अमल दरामद तो इनके किसी भी चीज़ पर नहीं हो रहा है, और आवाम को एक जो है वो बदजिन किया जा रहा है। एक 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 तरह से देखा जाए तो उसको ये तासुर दिया जा रहा है कि जी इमरान खान की वजह से ये महंगाई है, जबकि ये महंगाई और ये क्वालिटी कीमत कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है और उसको कंट्रोल करना चाहिए। 48 रुपये का जो ऐलान किया है सूबाई हुकूमत ने किया है ना, वफाकी हुकूमत ने नहीं किया। आप उस पर तो अमल दरामद करवाएं, बिल्कुल इंप्लीमेंट करवाना, इंप्लीमेंट नहीं होती है क्योंकि चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसलिए बेशक यहाँ पर सिंध में इस चीज़ को इशू बनाकर वो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो है वो उठाया जा रहा है। ओवरऑल जो महंगाई है वो अगर हम बिल्कुल उस पर अपनी ईमानदाराना राय दें तो महंगाई है, लेकिन इस वक्त पूरे आलम पर महंगाई छाई हुई है, पूरी दुनिया में महंगाई है। हाँ, जिस तरह और इस वजह से जो है वो हमारा भी मतलब हो रहा है और रुपया भी जो है वो पीछे जा रहा है। तो ये चीज़ें क्योंकि हम बाहर से जो चीज़ें खरीदते हैं जब डॉलर में खरीदते हैं तो हम ज़्यादा रुपया पे कर रहे होते हैं उस पर, तो इसी तरह हम यहाँ पर वो चीज़ें रुपये में बेच रहे होते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन कौम को थोड़ा सा इस हवाले से इमरान खान का साथ देना चाहिए, तहरीक इंसाफ का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ईमानदार लीडर है और वो पाकिस्तान को हर सतह पर जो है वो इंशाल्लाह ताला कामयाबी की तरफ लेकर जा रहे हैं। उनकी प्लानिंग्स बहुत अच्छी हैं। मैं समझती हूँ कि कुछ ही वक्त में इंशाल्लाह ताला इस महंगाई पर भी किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। और बिल्कुल बिल्कुल अफरोज शोरो साहिबा ने बिल्कुल सही बात की है लिसनर एंड व्यूअर्स, क्योंकि देखिए आपका भी अपना एक परसेप्शन है और आवाम का तो काम ये है कि छोटी सी भी अगर एक बात इशू हो जाती है तो उसको किसी ना किसी तरह से जो मुखालिफ लोग होते हैं इशू बना के डबल कर देते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान ना, दिस सिचुएशन नाउ डेज हैपनिंग नाउ, तो ये तो पूरी ऑल ओवर कंट्री में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है कि हमने जिस तरह से जो है वो COVID-19 को फेस किया है मुल्क में जो है वो माना कि मईशत थोड़ी सी वीक हुई है। हाँ, लेकिन आने वाले दिनों में होप और वी आर दी बेटिंग कि इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे और हम बहैसियत पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करना हमारा काम है, ना कि पाकिस्तान की मुखालफत करना। तो इसी तरह से जुड़े रहिए और हमें और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एंड न्यूज़ को सपोर्ट करते रहिए। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे आम हमारा मतलब हैदराबाद को ले लें, अगर ये हैदराबाद से बाहर सिंध को ले लें, तो अगर कोई भी खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहती हैं तो किस तरह से उसका तरीका है, कार क्या है और किस तरह से आप आपको अप्रोच करें, उसके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमारे नज़रिए आपसे जानना चाहेंगे। मैं एक कहूँ, एक बात कहूँ कि कोई टर्म्स और कंडीशंस नहीं है। आप अप्रोच करने के लिए हमारी रीजन की भी तंजीम बनी हुई है, हमारी ज़िलाई तंजीमें भी बनी हुई हैं, बल्कि हम लोगों को भी चाहिए कि उन लोगों तक जाएं और जो लोग भी मतलब आना चाह रहे हैं वो ज़िलाई तंजीम में जैसे हमारे अहदेदार मौजूद हैं, हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके पास आ जाएं, मेंबरशिप करें। सिंपली हमारे पास आने के लिए आपको किसी किस्म की कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपका कोई इंटरव्यू होगा या आपका कोई, लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि एक जज्बा होना चाहिए सच्चाई का, ईमानदारी का, ये सोचकर काम करने के लिए आएँ कि आप पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं, आप अपने लिए काम नहीं कर रही हैं। हम अपने मफाद के लिए नहीं, हम अपने लोगों के मफाद के लिए, हम अपने मुल्क के मफादात के लिए, उसके लिए आकर हमें मैदान में काम करना चाहिए जो बदकिस्मती से आज तक नहीं हो सका है। तो आपके पास ये सोच होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई शर्त तहरीक इंसाफ की नहीं है आपके शब्द के लिए।
अच्छा मैम, बड़ी आपसे पॉलिटिकल भी गुफ्तगू हुई, सोशल भी गुफ्तगू हुई, अब मैं कुछ टर्न आउट करती हूँ और कुछ स्वीट एंड सॉल्टी गुफ्तगू की तरफ हम आते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है? देखो जो भी अच्छा बना हुआ। अच्छा बना हुआ, मतलब कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं है? वेजिटेबल या वैसे मुझे सब्जी पसंद है। अच्छा सब्जी पसंद है, ठीक है। सब्जी और स्वीट डिश में आप क्या लेती हैं? स्वीट डिश में भी जो अच्छा बना हुआ, मतलब टेस्ट प्रायोरिटी है। हाँ मुझे ये है कि अच्छा बना हुआ हो वो मुझे सही लगता है। कोई ऐसा खास नहीं है कि कोई खास चीज़ हो तो वो मैं शौक से खा रही हूँ, लेकिन अगर अच्छा बना हुआ है तो हर चीज़ पसंद। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? सारे ही कलर तकरीबन मुझे पसंद है। बड़ी फलसफाना सोच है मैडम की और बड़ी मैं मुझे सारे कलर, हाँ, सब कलर अच्छे। अच्छा वैसे जिंदगी के सारे रंग ही होते हैं, हाँ। और वो हम ये कह लें कि वन बाय वन सारे कलर्स हमें लाइफ दिखाती है, तो हाँ। मैडम को तमाम कलर्स हमारे पसंद है, पसंद है हाँ। अच्छा मैम आप जो है वो बेसिकली हैदराबाद से ही या कहाँ से आए? मेरा ताल्लुक मीरपुर खास से। अच्छा मीरपुर खास से। मीरपुर खास से भी कुछ आगे तकरीबन 50 किलोमीटर आगे एक गाँव है शाहीपली। बेसिकली मेरे वालिद साहब का ताल्लुक वहाँ से था, हमारी ज़मीनें आज भी वहीं हैं। अच्छा। लेकिन फिर शुरू में ही एजुकेशन की वजह से हम लोग खास शहर में आ गए हैं, तो फिर हम वहीं थे और फिर मैं आफ्टर मैरिज जो है हैदराबाद आई। अच्छा आफ्टर। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन जो है एमए है, उर्दू में मैंने किया है। अच्छा, हाँ। और इसके अलावा मैंने 96 में एलएलबी भी किया था, लेकिन महज एक सर्टिफिकेट है। अच्छा, मैंने उस पर कभी प्रैक्टिस नहीं की मैंने। अच्छा वो मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा मैं ये चाहती थी कि मैं घर को टाइम दूँ, घर को टाइम, तो इसका तो वो ये है सुबह सवेरे 8 बजे निकलना और शाम 5 बजे तक काम करना, तो उस वक्त मेरा ये मतलब मुझे नहीं था, इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। फिर आगे जाकर मैं पॉलिटिक्स में आ गई, तो मतलब ये अभी मेरा टच है, मतलब हाँ मैं करती हूँ। वैसे आप मैं मेरा जो ज़ाती ओपिनियन है आपसे बात करने के बाद और बल्कि हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन लॉयर बन सकती हैं, क्योंकि आप इतनी दलील से बात ना तो बाय प्रैक्टिस अगर आप करते रहे। नहीं देखिए मैं तो, वो ऐसा होता है कि फर्म है पूरी हमारी, हाँ। और भी हैं, मैं उनके साथ होती हूँ, हाँ। और मज़ेदार तो मैं एक बात बताऊँ कि बहुत अच्छा सीनियर वकील है हमारे साथ, हाँ। नाम नहीं ले रही। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो जी। एक रेवेन्यू का केस था, कुछ थोड़ा टिपिकल केस था, तो वो जो एडीसी वन होते हैं उन्होंने नोट लगा कर उसको फेंक दिया। मैंने कहा ये बहुत गलत हो गया, क्योंकि अब फिर हमें पीछे से एसी के पास जाना पड़ेगा, हमारे प्रोसीजर ही इतने ख़तरनाक हैं कि बंदा उसमें उलझ जाता है। तो मैंने कहा मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ, तो कहने लगे कीजिए। अच्छा मैंने जब अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए तो कहने लगे, उन्होंने वापस ली वो अपनी फाइल और अपना नोट मिटाया और उस पर जो है ना नया नोट जो है मैंने वो लगाया, तो वो उन वकील को कहने लगे लगता है आपने रेवेन्यू के केस नहीं लड़े। मैंने दिल में सोचा मैंने तो कोई भी केस नहीं वो बेचारा इतने वो चलो मैडम ना सब तो ये हाल है। तो ये है कि बात ये होती है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना वो एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास नॉलेज है ना एग्जैक्ट, तो वो फिर आप कहीं पर भी, मैं इसलिए भी नहीं करती हूँ कि मेरा बहुत सारा टाइम सोशल एक्टिविटीज में जाता है और वो मेरी मतलब एक अपना इंटरेस्ट भी होता है, तो इसलिए मैं इधर ज़्यादा अपने आप को हाँ महसूस। अच्छा मैम आप योग को क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखो मैं तो एक बिल्कुल सीधी बात कहूँ यूथ को कि जब तक आप अपने करियर के लिए एजुकेशन को बहुत ज़्यादा टाइम दें और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी एजुकेशन बेहतरीन है, आप बहुत अच्छे तरीके से मतलब पढ़ लिख कर आए हो, तो आगे के लिए आपका करियर बहुत आसान हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को भी यही कहती थी कि 20 ईयर्स मस्ट आप जो है अपने एजुकेशन पर लगाओ, उस दौरान कोई आपका नहीं होनी चाहिए दूसरी इंटरेस्ट, हाँ खेल कूद या जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो अपनी जगह हैं, लेकिन अपने करियर के लिए आपको एजुकेशन और तालीम याफ्ता माशरा, तालीम याफ्ता लोग ही तब्दील कर सकते हैं इस मुल्क। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ज़बरदस्त जवाब दिया और यूथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एंड न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अफरोज शोरू की जानिब से एक मैसेज चला गया है और ये चलता रहेगा प्रोग्राम, कारवा इसी तरह से बनता रहेगा, लोग आते रहेंगे, एंड न्यूज़ इस तरह से इंट्रोड्यूस कराता रहेगा। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
चल रहा है प्रोग्राम हमारा एन न्यूज़ की तरफ से, और हमारे साथ मैम अफरोज शोरो मौजूद है प्रोग्राम में, और बहुत ज़बरदस्त हमारी जो है वो कन्वर्सेशन जारी है। यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो मैम की पर्सनल लाइफ है या सोशल लाइफ है उनसे आपको बहुत आइडियाज़ भी होंगे। डेफिनेटली हम सीनियर्स से सीखते हैं, सीनियर्स आर ऑलवेज रोल मॉडल्स फॉर जूनियर्स। तो चलते हैं दोबारा प्रोग्राम की जानी और शुरुआत करते हैं। अच्छा मैम ये बताइए कि आप चूँकि खुद एक लेडी हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ख़वातीन में बड़े हरेसमेंट इशूज़ आ रहे हैं आजकल, तो इस सोसाइटी में आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर मल्टी वर्ल्ड ऐसा होता है कि हमारी लड़कियां या बच्चियां कॉलेज साइड जाती हैं या फिर जॉब के लिए जाती हैं या फिर कहीं भी किसी भी स्पॉट पे हैं, चाहे वो सोशल है पॉलिटिकल है ऑफिशियल, उन्हें बड़ी हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो उन ख़वातीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सभी न सिर्फ ऑफिशियली बल्कि ये मतलब थोड़ा इस किस्म के इश्यूज हैं हमारे पास और दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैं बात करूंगी तो फिर आप वही कहोगे कि ये शायद कोई बहुत ही पुरानी सोच, लेकिन मेरे नज़दीक आज भी ये सोच है कि अखलाकियात जो है उसका जो होते ही है शुरुआत वो अपने घर से होती है। बिल्कुल। हमारे वालदैन ने जो है वो एक चीज़ ये हमें हमेशा ये कि भाइयों को ये सिखाया कि बहनें माएँ उनकी दोस्तें ये बहुत ख़ास हैं और इनकी इज्जत बहुत ख़ास कर रही है। ठीक है, एक चीज़ें एक तो घुट्टी में पड़ जाती हैं, ठीक है ना, और वो इंसान को सारी ज़िंदगी फिर उस पर वो किसी को तंग नहीं करता। स्पेशली देखिए ये चीज़ जो सिनफी फ़र्क है ना, इस चीज़ को हमारे माशरे में इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों ने, अब ये नहीं होना चाहिए। औरत भी एक फ़र्द है, मर्द भी एक फ़र्द है। जिस तरह मर्द अपने सारे काम काज करने में आज़ाद है, उसको सहूलियात मिलनी चाहिए, इसी तरह औरत भी आज़ाद है, उसको भी सारी सहूलियात। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा औरतों को दबाया जाता है। अच्छा इसके बाद ईगो प्रॉब्लम बन जाता है। एक तो ये फैमिली की तरफ से घर की तरफ से आ जाता है इस तरह के, उसको बिल्कुल ऐसा महसूस बनाकर किया जाता है कि वो बेचारी फिर खुद भी बाहर निकलती है तो थोड़ा सा अपने आप को कोई ख़ास चीज़ समझ रही होती है कि जुदा हूँ इस सारे उस जो है सिनारो उससे। अच्छा उसको छोड़कर फिर दूसरे नंबर पर आ जाती है कानून की बात, गवर्नेंस की बात आती है, कानून की बात आती है। देखें जब एक बार किसी को बहुत सख्त सज़ा दे दी जाए इस हवाले से तो दूसरी बात दूसरी दफ़ा कोई हिरासा करने के बारे में 10 दफ़ा सोचेगा। बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास ये सारे हालांकि सिंध गवर्नमेंट ने और बड़े हरासमेंट पर और बड़े इसमें भी कानून पास हुए हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इम्प्लीमेंट तो ज़रा भी नहीं, कहीं पर भी बातें होती हैं, शूज़ उठाए जाते हैं, मीडिया पे हाईलाइट किए जाते हैं, बिल्कुल हो जाती हैं सारी चीज़ें, इम्प्लीमेंट नहीं होता है ना। तो जो हमारे इदारे हैं जैसे हमारे पास पुलिस है, हमारे पास कोर्ट हैं, देखिए वहाँ ये होना चाहिए कि एक सिक्योर मतलब लेडी के लिए, एक खातून के लिए, एक लड़की के लिए ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर वो अपनी बात अपनी शिकायत आराम से, वह तो जिसके पास शिकायत करने जाती है वहाँ खुद जो है वो उनका अपना कुछ सोच और नज़रिया और होता है कि जी अगर कोई लड़की है तो नहीं ये तो गलत ही थी तो इसके साथ ऐसा हुआ। तो इन चीज़ों के लिए हमें घर से लेकर और फिर ऊपर से आके गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं उन सब को लेकर एक मतलब मजबूत और मरबूत जो है निज़ाम तरतीब देना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ताकि इस किस्म के वाक़यात जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनकी रोकथाम। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि मरबूत और मजबूत किस्म की एक सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, और ये सिस्टम चूँकि हमारी अपनी कोताहियों की वजह से ये कह लें कि सिस्टमाइज होते होते आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वो कहीं ना कहीं ज़िगज़ैग लेवल पर आ जाती है। बिकॉज हमारे यहाँ काउंसलिंग की बड़ी कमी है, हम उन लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं या अपनी बात नहीं समझा पाते हैं, या फिर मेल और फीमेल के इश्यूज जो बीच में आ जाते हैं तो ईगो प्रॉब्लम बनाई जाती है कि अगर ये फीमेल है तो क्यों आगे जा रही है, अगर ये डॉक्टर है तो क्यों है, अगर ये टीचर है तो क्यों है, अगर ये हमसे आगे, तो इस तरह के सोसाइटी में इशूज़ डेफिनेटली जन्म लेते रहेंगे जब तक मेल और फीमेल आपस में जो है वो कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। तो उसके लिए मैं भी यही पैगाम देना चाहूँगी एन न्यूज़ की तरफ से, जैसे कि हमारी मैडम अफरोज शोरो ने दिया कि इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर बराए मेहरबानी फीमेल्स को भी उतनी ही सपोर्ट की जाए जितनी की मेल्स को की जाती है, क्योंकि वी आर डॉक्टर्स, वी आर टीचर्स, वी आर पॉलिटिशियंस, वी आर लर्नर्स, तो वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग जस्ट लाइक यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। तो फीमेल्स और मेल में तो अल्लाह ताला ने देखिए जब इंसान को बराबर बनाया है तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि मर्द को जो है वो बढ़तरी हासिल हो गई है कि वो एक मर्द है,
और औरत को इसलिए कमती नहीं, आप कह देंगे कि जनाब वो औरत औरत को अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा दिया है। और ये चीज़ तो हमें अपने घर से एतमाद जो है वो घर से मिलता है, और हमें अपनी बेटियों को उतना ही एतमाद देना चाहिए जितना हम अपने बेटे को जो है वो एतमाद। बिल्कुल। अच्छा मैम, इन द एंड ऑफ प्रोग्राम यू वुड लाइक टू से सम स्पेशल मैसेज फॉर अवर नेशन, हमारी जो ये व्यूअर्स और यंगर्स हैं जो बैठे हुए, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखो मैं है ना सच्ची बात ये बताऊँ कि नेशन के हवाले से ना जब हम सोचते हैं ना तो थोड़ा सा दुख हमारा उन्हीं की तरफ जा रहा होता है। अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया है, और वो मुल्क दिया है जिसमें दुनिया की हर नेमत मौजूद है। एग्जैक्टली। कहीं भी आप चले जाएं, कहीं मौसम नहीं मिलेंगे, कहीं दरिया नहीं मिलेंगे, कहीं समुंदर नहीं मिलेगा। ये वो मुल्क है जिसमें खुदा की हर नेमत जो है मौजूद है। पेट्रोल हमारे पास है, मैदनियात हमारे पास है, कोयला हमारे पास है, दरिया हमारे पास है, मौसम हमारे पास है। बदकिस्मती से इस मुल्क को उसकी अपनी लोगों ने वो मोहब्बत नहीं दी है जो एक कंट्री को, जो लोग उसके रहने वाले जो एक ओन करते हैं कि ये हमारा कंट्री है, यहाँ पर बदकिस्मती से वो सोच नहीं पैदा हो पाई है। और मैं आपको बताऊं कि मैं बाहर भी जाती हूँ, मैं बहुत सारे मैं रशिया को देखती हूँ, मैंने उसका इनकलाब पढ़ा है, मैंने फ्रांस का इनकलाब पढ़ा है, मैंने जर्मनी को देखा है जब वो दूसरी जंग अजीम के बाद किस तरीके से उन्होंने, जापान को आप देखें कि किस तरह। लेकिन क्या है कि वो कौमें करती हैं अपने मुल्क के लिए, कौमें अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देती हैं, कौमें अपने मुल्क के लिए जो है उठती हैं, उन्हें अपने मुल्क से अपने वतन से मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत अगर आज इस कौम को अपने वतन से पैदा हो जाए ना, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की होता है। उनको लिहाजा प्लीज़ मेरी आपसे सिर्फ एक ही इस्तेदा है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो, अपने मुल्क से मोहब्बत करें, उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े तो उससे दरेग नहीं करें, क्योंकि आज़ादी से बढ़कर और कोई नेमत नहीं। अच्छा यहाँ पर आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और मैं खुद आपकी बात से बड़ा एग्री करती हूँ और एडमायर आपको करती हूँ कि वाकई कौमियत हम खुद बनाते हैं, कौमियत हम खुद बनाते हैं, और बहसियत एक नेशन हमारा आपस में यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। हम आपस में लाइक फीलिंग्स बहुत करते हैं, ये छोटे छोटे इससे इशूज़ बहुत छोटे छोटे से लेवल से आके और बहुत हाई लेवल्स तक चले जाते हैं। एज़ यू नो के हमारे घरों से ही तमाम मामला शुरू होते हैं, घरों से होते होते फिर होता ऐसा है कि फिर वो कॉलेज लेवल या जॉब साइट्स हैं या फिर पॉलिटिकल है या कोई भी एक्स वाई जेड, चाहे वो आप कितनी ही बड़ी जाके काबीना में बैठ जाएं, फिर वो लैग पुलिंग चलती रहती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, क्या उन्हें हम दलील से बात करके मनवा सकते हैं, उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं? जब तक हमारे अंदर ये मतलब गलत और सही को जज करने की सलाहियत पैदा नहीं होगी, तब तक हम जो है वो काम नहीं कर सकेंगे, और काम करना तो बहुत दूर की बात है, हम बात भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम एडमिट नहीं करते हैं, बहुत जल्दी दूसरों को कसूरवार ठहरा देते हैं, लेकिन जब बात हमारी अपनी आती तो हम कह देते हैं कि नहीं जनाब ये तो आप इग्नोर कर दें, या हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। तो इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपका सेल्फ ग्रूमिंग से ये मुराद नहीं कि आपने बहुत अच्छा कपड़े पहने, मेकअप किया है आपने और ज्वेलरी पहन के आप निकल गए। सेल्फ ग्रूमिंग से मुतालिक मेरा यहाँ पे ये कहना चाहूँगी हमारी यूथ के लिए कि सेल्फ ग्रूमिंग से मुराद ये कि जैसे कि मैडम ने कहा कि एजुकेशन एजुकेशन मस्ट कॉन्टेंट है आपके लिए, लेकिन एजुकेशन के बाद आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि वॉट इज़ रॉन्ग और वॉट इज़ राइट। तो आपको जब आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों में शऊर पैदा होना शुरू हो जाएगा, आप इजीली जज कर सकेंगे, और उस तरह से आपकी सेल्फ ग्रूमिंग ख़त्म होती जाएगी खुद पर आके, और फिर आप एक नई जजीरे, एक नई तलाश, एक नए काम के लिए जो है वो खुद को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे और इसी तरह से आगे मुतहद होकर बढ़ते रहेंगे। तो आज का इंटरव्यू कैसा लगा हमारे साथ मैम अफरोज शोरती? यकीनन आपने बहुत कुछ इनसे सीखा होगा। एज आई टोल्ड यू के सीनियर्स हमेशा से जो है वो जूनियर्स के लिए रोल मॉडल रहे हैं, और कमेंट्स में आपका हमें इंतज़ार रहेगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, और नेक्स्ट आप किस तरह की चेंजिंग्स चाहते हैं हमारे इस एन न्यूज़ के प्रोग्राम में, और किन सेलिब्रिटीज़ को आप हमारे साथ देखना चाहते हैं, किन इशूज़ पर हमें बात करना चाहिए, कौन से ऐसे अभी करंट इशूज़ हैं जो आप चाहते हैं कि हमें उस पर बात करनी चाहिए, वो काइंडली आप हमें अपडेट करते रहिए अपने व्यूज़ के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू। तो इंशाल्लाह फिर एक नई पर्सनैलिटी के साथ एक नए सेगमेंट में सबीन जावेद फिर हाजिर होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।